जैसे मांगू टूटे तारे से दुआ। क्या बात है निशान, कुछ हुआ है क्या? नहीं कुछ भी नहीं। नहीं कुछ तो हुआ है। वो तुम तो इतनी परेशान थी हमारी शादी के लिए, तुम्हारी शादी भी होगी, बताओ इसमें कुछ कहा है क्या? प्लीज अरसलान, आप अभी मुझसे कोई सवाल नहीं पूछो। क्यों? मैं तो पूछूं, मैं तो अभी ही पूछूं, बताओ। अगर मैं आपको बताऊंगी तो आप बुरा मान जाएंगे। मुझे पता है ना कि आपको बुरा लगेगा, इसलिए आप मुझसे नहीं पूछ रहे। बताओ मुझे, मुझे जानना। अरसलान, मुझे लगता है कि आप मुझसे प्यार नहीं करता। क्या? क्यों? तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? बस मुझे लगता। बस तुमने इतनी बड़ी बात कह दी है, कुछ तो सोच के ही कहा होगा ना। बताओ क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में, क्या सोच रही हो तुम? अरसलान, हम सब जानते हैं कि सलमान और मायरा की शादी जबरदस्ती हुई है। सलमान पर अलग तरह का प्रेशर था और मायरा को मैंने अम्मी और दादी ने प्रेशराइज किया। तो अगर सलमान और मायरा की शादी नहीं होती तो हमारी शादी भी नहीं होती। इसलिए मुझे लगता है कि आप मुझसे मोहब्बत नहीं करते। इस तरह तो मैं भी कह सकता हूँ कि तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करती। आज की रात भी बजाय इसके कि तुम मेरे और अपनी बातें करो, तुम सलमान और माहिरा की बातें कर रहे हो। देखो मिशा, माहिरा तुम्हारी बहन है, सलमान मेरा भाई है। वो लोग सही रहे ना सही रहे, लड़े खुश रहे ना खुश रहे, जो भी करें वो उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। हमारी शादी होनी थी, हो गई। हम अब एक हो गए, एक, और दोनों से बिल्कुल ही अलग यूनिट। मुझे अब सलमान और मायरा के मसाइल से ना मुझे अब उलझना नहीं होगा। उनकी बातें, उनकी लड़ाइयाँ, उनकी हरकतें, जो भी वो करते हैं, मैं कंप्लीटली फेड अप आ चुका हूँ। और मैं तुमसे भी यही कहूँगा, तुम उनसे दूर रहो। सवाल मेरे को खुश रखे ना रखे उससे क्या फर्क पड़ता है यार, मैं तुम्हें खुश रखूंगा, तुम मुझे खुश रखना। कुछ रखोगे ना? Thank you.
पूरी अंदर रख दो ना, ठंडी हो जाएंगी, जल्दी से रख दो। चीम। हाँ भाई, ये सब तूने बाजार से मंगाया है? अस्सलाम वालेकुम अब्बा। वालेकुम सलाम। जी वो दुल्हनों का पहला दिन है ना, पहला नाश्ता है, तो मैंने जरा इहतमाम कर लिया। भाई हमने तो सुना है कि पहले दिन का नाश्ता है वो लड़की वालों के घर से आता है, और हमारे घर तो दो दो आई है। उधर अब है ही कौन जो इधर नाश्ता भेजेगा? क्यों, माँ मर गई क्या इनकी? और तेरी माँ तो जिंदा है भाई, साफ क्यों नहीं बोलती कि अपने मैके वालों के पैसे बचा रही है? शकी, नुदरत और मेरी अम्मा ने जिस तरह दिल खोल के पैसा खर्च किया है ना शादी पे, वो तो आपने देख ही लिया और बाकी सबने भी। सुन रहे भाई, देख रही है, नाखून और दांत दोनों तेज कर लिए तेरी माँ ने बहुओं के आते ही। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम फूफा जान। एक मिनट, जहर लगता है मुझे ये फूफा जान, वो फूफी है इसकी माँ बोरी, इसकी तरह अब्बा बोला कर मुझे जैसे ये बोलता है, समझी? जी बेटा, तुम लोग टेबल पे जाके बैठो, अब नाश्ता लगा रहे हैं हम, जा। ठीक। अरे रखो ना जल्दी से, अंदर ये ठंडा हो जाएगा, और मेरे साथ जल्दी से ना तुम जरा पराठे बनवाओ। ये ले, ये बाजारी नाश्ते के साथ आमलेट और पराठे भी आएंगे, भाई कर ले गुलामी अपनी बहुओं की है। अबू आप बैठे, मैं आपके लिए एक जबरदस्ती चाय बना के लाती हूँ। भाई क्या हो रहा है? कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। ये बात सुन, इस घर का बड़ा बेटा है तू, अपनी जिम्मेदारी को समझ ले, बीवी घर में आ गई है तो इसका मतलब ये नहीं है कि माता पिता आजाद हो गया तू और कबूतरों की तरह चोचे लड़ाता फिरे। जवान बहन मौजूद है घर के अंदर, ख्याल कर ले थोड़ा, ध्यान कर ले। और ये बात मैं सिर्फ इससे नहीं बोल रहा, तेरे से भी बोल रहा हूँ, समझी? जी मैं पापा को देखती। बाप को इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी, तो उसका पहला दिन है। अच्छा अब तू अपने बाप को बताएगा कि क्या बोलूं और कब बोलूं? और कोई पहला पहला दिन नहीं है, 10-12 साल से दोनों बहनों और उनकी माँ की नजर तेज घर पे और मेरे बेटों के ऊपर। अब चैन आ गया होगा, मिशन पूरा हो गया उनका। और वो किधर है तेरा भाई दूसरा? सो रहा होगा। सो रहा होगा, देखता हूं उसको। सलमान, सोने दो मुझे, खुद देखो कौन है। वो तो हमेशा का गधे घोड़े बेच के सोता है, क्या तू भी ऐसी है? नहीं मैं उठ गई थी। अबे उठ गई थी तो खैर, उठाओ से नाश्ते पे लेकर आ। साथ ही ये भी बता दीजिए कि ससुराल से कोई नाश्ता वास्ता नहीं आ रहा, वो जो उसकी अम्मा ने मंगाई है ना हलवा पूरियां, इससे पहले कि उनका तेल जम जाए, शराफत से उठ के मेज पर आ जाए।
और तू भी आ जाइयो साथ में। क्या हुआ है? हम दोनों के जाने से घर कितना सूना हो गया। मेरा तो नाश्ता बनाने को दिल नहीं जा रहा। अरे शुक्र करो, अल्लाह का शुक्र करो, तुम्हारी दोनों बेटियां अपने घर बार वाली हो गई हैं। शुक्र है अल्लाह का। अम्मा वैसे हमें नाश्ता लेकर नहीं जाना चाहिए था, इसी बहाने मैं उन दोनों को देख लेती, पता नहीं क्या कर रही होंगी। दिल तो मेरा भी चाह रहा था लेकिन समन ने फोन करके मना कर दिया। उसने कहा घर में बहन भाई होते वो नाश्ता लाते, अच्छे भी लग रहे थे। वैसे समन बहुत ख्याल करती है मेरा, भाई सुबह सुबह मैं परेशान ना हूं ना, इस वजह से मना किया उसने। अम्मा मैं मायरा या मिशाल में से किसी को फोन करूं? है जरा सब्र तो करो, दोपहर को कर लेना तुम फोन। वैसे मैंने किया था समन को फोन। क्या कह रहे थे, सब ठीक है, वो दोनों ठीक है ना? अरे अभी तो एक दिन हुआ है तुम्हारी बेटियों को गए हुए, बिल्कुल माशाल्लाह ठीक और खुशी से होंगी। देखो अरे भाई, बेटियां अगर गैरों के यहां जाए ना तो फिक्र करनी चाहिए। अरे ये तो अपने फुप्पो के घर गई है और तुमको तो पता है समन की आदत का, अरे यहां से वहां तक मेज सजा दी होगी उसने नाश्ते की। चलो तुम तैयारी करो नाश्ते की। अरे बिल्कुल फिक्र नहीं करो, वहां पे दोनों खुश होंगे, खूब डट के नाश्ता कर रहे होंगे। ये तो है अम्मा। अम्मा बस मैं अब कल से यूनिवर्सिटी जाना शुरू कर दूंगी। वो जो नजीब साहब से मैंने पैसे लिए थे ना, अल्लाह का शुक्र है उसमें से बहुत पैसे बच गए, उन्हें वापस कर दूंगी और बहुत जल्द इंशाल्लाह उनका कर्ज भी चुका दूंगी। हाँ खैर ठीक बात है ये। वैसे जब तक तुम्हारे हाथ पांव चल रहे हैं तुम नौकरी करती रहना। जाहिर है माँ, जो शादियों पे कर्ज लिया था वो भी तो उतारना होगा ना, नौकरी करूंगी तो उतार सकूंगी ना। अच्छा माँ मैं तो चाय बना रही हूँ, क्या आप पिएंगी? अगर तुम बनाओगी तो पी भी लूंगी। अभी बनाती हूँ। बेटा सलमान, अपनी बीवी से कहो ना ठीक से खाए, अच्छे से नाश्ता करे। अरे मैं क्या कहूं, सब कुछ सामने पड़ा है, जो खाना है जम के खाए। रमशा बेटा जल्दी से गरम गरम चाय लेके आओ सबके लिए। अरे मशाल बेटा इतना सा लिए, सही से अच्छे से नाश्ता करो तुम भी। जी। अरे भाई बहुएं हमारी, कोई गैर तो है नहीं, अब तो सारी जिंदगी यहीं रहना है। हाँ लेकिन मेरी बहुओं का पहला दिन है ना यहाँ, इसलिए मेरा तो फर्ज है। मायरा। जी पापा। बेटा तुम तो कॉफी पीती हो ना? भाई मैंने कॉफी नहीं बनाई इसलिए कि ना तो मेरे पास मशीन है ना मुझे बनानी आती है, मंगा ली है मैंने कॉफी
अब तुम या तो खुद बना लो या फिर रमशा से कहो, वो तुम्हारी मदद कर देगी। वेबा, घर में कॉफी भी है? अरे यार, हमें तो पता ही नहीं चला कॉफी भी है। तेरी बीवी बर्गर निकली है, जूस पिएगी, बैटी पिएगी, है सूप भी पिएगी। छोड़ दिया मैंने कॉफी। ये अच्छा किया भाई। रमशा, एक प्याली चाय की और बढ़ा दे, तेरी भाभी भी चाय पे लग गई अब। एक बात तो तय, मैं अपनी जिंदगी ना अपनी बीवी की मर्जी के मुताबिक गुजारू, जो ये कहेगी वो मानू। ये कहेगी दिन है मेरे लिए दिन, ये कहेगी रात है तो मेरे लिए भी रात है भाई। बस कर दो, कहीं तुम इतने ताबेदार हो ही ना जाओ। नहीं, क्यों नहीं होगा? अभी इसने रात को मुझसे जो बात कही मैंने मान भी लिया। ये लो, खैर है ना, क्या मनवा लिया तूने मेरे बेटे से? घर भर तो नाम खड़ी कर दिया इसके। अरे भाई, ये घर आपके नाम है, लेकिन मैंने जब भी घर बनाया ना, सीधा सरकारी कागज बीवी के नाम का होगा। ये तो आप हैं जिन्होंने अपने नाम पे घर बना लिया, लेकिन जो अपनी बीवियों से प्यार करते हैं ना, वो या तो घर बनाते ही बीवी के नाम पे, या उसको बीवी के नाम करा देता। मैं तो यही करूंगा। ये बताओ, वो क्या बात है जो मायरा ने मनवाई है? अरे मायरा ने कहा है कि नौकरी करेगी, और मैं बता रहा हूं इसे कोई नौकरी करने से रोकेगा नहीं, ठीक है? रमशा, चाय है ये पाए? तो भाई, तो भाई ठीक है, मेरी बीवी इस घर में जैसे रहना चाहेगी वैसे रहेगी, नौकरी करना चाहती है करे, इसे कोई कुछ नहीं कहेगा। जिसने कहना है मुझे क्या, ठीक है? सलाम अलैकुम अंकल, बैठो। मेरा इरादा तो नहीं था कि मैं तुम्हें फोन करूं, लेकिन आतिर की मां ने कहा कि तुम्हें बुलाऊं, आतिर को समझाओ, क्योंकि वो तुम्हारी बात समझता है। एक बात बताओ, आतिर जब उस लड़की के इश्क में गिरफ्तार हो रहा था, तुमने उसको रोका नहीं? अंकल, मैंने डेफिनेटली रोका था, लेकिन ऑनेस्टली उस वक्त मुझे भी ये बात पता नहीं थी, और ना ही आतिर ये बात जानता था कि वो उसका निकाह हो चुका है। क्या यानी वो लड़की किसी और के निकाह में है और मेरे बेटे पे डोरे डाल रही है? नहीं नहीं अंकल, ऐसी बात बिल्कुल नहीं, वो लड़की ऐसी नहीं। ये सीगा उस लड़की के लिए इस्तेमाल मत करो, है का सीगा, वो थी और अब वो शादीशुदा है बाकायदा जी। अच्छा एक बात बताओ, ये मेरे दफ्तर में ये बात कैसे पहुंची? ऑनेस्टली अंकल, मुझे नहीं पता इस बारे में। अरे पूरे दफ्तर में ये खबर फैली हुई है, तहार साहब मुझे कहते हैं सर आतिर की फौरन शादी कर दे। क्या हो रहा है ये आजकल की लड़कियों को क्या हो गया है? ये नौकरी करने जाती है या मालिकों के बेटों को फंसाने जाती है? खैर, आतिर को समझाओ कि अपना ये जो इश्क भूत है ना, ये उतार फेंके। अब वो मुझे भी अपना दुश्मन समझने लगा है, उसे समझाओ कि मैं उसका बाप हूं, मैं जो भी कुछ कर रहा हूं उसके भले के लिए कर रहा हूं। डोंट वरी अंकल, मैं आतिर को समझाता हूं। ठीक है,
जाओ। हेलो। हाय। अच्छा हो गया तुम आ गए। मैं आदिर के लिए नाश्ता लेके जा रही थी। उसने कल से कुछ नहीं खाया, एक्चुअली परसों से कुछ नहीं खाया। मायरा के गम में निढाल हुआ हुआ है। आप तो इस सब से गुजर चुकी हैं ना, तो आपको तो उसकी कंडीशन का बहुत अच्छे से पता होगा। वहां से आई डू अंडरस्टैंड, लेकिन पापा और अम्मी तो नहीं समझते ना। अच्छा एक काम करो, प्लीज तुम ये ले जाओ, उसे कुछ खिलाने की कोशिश करो। मैं तुम्हारे लिए कॉफी बना के लेकर आती हूँ। ओके मैं ले जाता हूँ। थैंक यू। कोशिश करूंगा कुछ खा ले। सॉरी मैं बगैर नॉक किया गया। वो शजिया बता रही थी कि तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया। कुछ नहीं खाना है अब तक। लोग भूख मिटाने के लिए नहीं, जिंदा रहने के लिए खा लो। ये कहा ना यार, कुछ नहीं खाना मुझे, प्लीज यार। लिसन, जो भी एफर्ट्स कर सकते थे तुमने किए, कुछ हासिल नहीं हुआ। भूल जाओ जो हुआ है, पुट एवरीथिंग इन द पास्ट एंड जस्ट मूव ऑन। सही बोल रहा था, I should move on. यही जिंदगी है। लेकिन एक बात बता रहा हूं तुझे राफे, मैं अपने मां बाप को कभी माफ नहीं करूंगा, कभी भी नहीं। तूने देखा उन्होंने मेरे साथ क्या किया? एक लम्हे के लिए भी मेरे साथ नहीं खड़े हो सके, उल्टा मेरे रास्ते में हजारों रुकावट डाली उन्होंने। ऐसे होते मां बाप? बता यार, ऐसे होते? जो लोग अपनी औलादों को अपनी मर्जी से जीता हुआ नहीं देख सकते ना, वालदेन बनने का हक ही नहीं होना चाहिए। क्या हॉल फॉल बोल रहा है यार? शज्ञा के साथ क्या करते? हर रोज उसको ताने देते हैं, उसकी तलाक, उसकी शादी के। कोई अपनी औलाद के साथ ऐसा करता है? बोल, क्या शर्मिंदगी होगी कि मैं उनका बेटा हूं? मुझे शर्मिंदगी कि वो मेरे मां बाप है। अरे सोच लिया यार, मैं रहूंगा इनके साथ, नहीं रह सकता मैं इनके साथ। शजिया को भी साथ ले जाऊंगा। बढ़िया, सही नहीं। मैं पता है ये क्या सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे,
क्या मुंह दिखाएंगे हम लोगों को, इनको अपनी औलाद की परवाह नहीं है। नहीं, नहीं चाहता मैं इनके साथ, नहीं रहूंगा मैं इनके साथ। ये तो उस लड़की की जिंदगी बर्बाद कर दी, मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। ओके चला जाऊंगा यार, मैं छोड़ के नहीं रहूंगा। जस्ट काम डाउन, I know you're right, okay? I know. At least I have one tip. Please, यार नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मायरा, मुझे लग रहा है मैं फंस गई हूँ। बोली था क्या तुम्हें भी ऐसी लग रही? इससे मत सोचो, आज इस घर में हमारा पहला दिन है। शुरू शुरू में अजीब तो लगता है ना। तुमने सुबह सुना था टेबल पे क्या बातें हो रही थी नाश्ते की? तुम उनको छोड़ो, उनकी तो आदत है ना। तुम मुझे सलमान का बताओ, वो जो बात कह रहा था क्या वो सही है? तुम्हें लगता है कि मैं सलमान से वो बात कर सकती? वो भी शादी की पहली रात। ये सलमान का आखिर मसला क्या है? मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ये पता है कि वो मेरी जिंदगी तबाह कर सकता है। तुम परेशान मत हो, जो मोना सा हो गया हम लड़ते भिड़ते या उसको सुधारने की कोशिश में जो भी है, जिंदगी उसके साथ ही गुजारनी है मुझे। मुझे लगता था कि वो सिर्फ सिगरेट पीता, लेकिन निशान को क्या आया था रात में मेरे कमरे, थोड़ी देर मुझसे बात की तो मुझे लगा वो ऐसी बात करता है। थोड़ी देर बाद मुझे पता चला कि तो शराब के नशे में मुझसे बात कर रहा था। ये सब जान के भी मैं क्या कर सकती हूँ? प्लीज अम्मी को ये नहीं बताना, तकलीफ में आ जाएंगे ये सुन के। हाँ भाई, ये क्या हो रहा है? हंडिया बनाने की तैयारी कर रही हूँ। वो जो सुबह सुबह बाजार का तूने तेल में सना हुआ बाजारी नाश्ता, उसके बाद क्या दोपहर को हंडिया भी पकेगी अब? हाँ, बहुएं हैं घर में तो जाहिर है हंडिया तो पकी भी होनी चाहिए, किसी को भी भूख लग सकती है। देख रहा हूँ पटड़े से उतर रही है तू, जब से तेरी ये बहुएं घर आई है ना आप ऐसे निकल रही है तू। ऐसी कौन सी कोक आपकी परियां ले आई है? अच्छा वो आप तो कह रहे थे कि आपको किसी दोस्त के घर जाना है। तो साफ बोलना, घर से निकल जाऊं मैं, अपनी शक्ल गुम कर लूं? जी मैंने ऐसा कब कहा है? मैं तो ये बताना चाह रही थी आपको कि आपके कपड़े प्रेस करके मैंने अलमारी में टांग दिए। दावत पे कितने बजे जाना है? पता नहीं, तो बच्चियां बताएंगी, हमारा क्या है? जब वो तैयार हो जाएंगी हम साथ चल पड़ेंगे। अरे बावली हो गई है क्या? ये भी बच्चियां बताएंगी?
तेरी जैसी सासें होती हैं जिसे बहुएं ये एड़ी वाली सैंडले पहन के ना सरों में सुराख करती हैं, नाचती हैं सरों पे। क्या हो गया आपको? आहिस्ता बोले, जो मुंह में आता है बोल देते, वो सुनेंगी तो क्या सोचेंगी। अबे छोड़े लिहाज लिहाज, अरसलान सलमान। तेरे ससुराल कितने बजे जाने दावत पे? 6 बजे। हम ठीक 6 बजे निकलेंगे और मैं तैयार होकर गाड़ी में बैठ जाऊंगा। उस वक्त ऐसा ना हो कि तुम दोनों की बीवियों की लेपा पोतियां चल रही हो। अच्छा मैं बता देता हूँ। वो सब तो ठीक है लेकिन जाएंगे कैसे? गाड़ी पे जाएंगे। गाड़ी तो है लेकिन एक ही गाड़ी हमारे पास, मतलब मेरे पास। मैं और मायरा आगे बैठ जाएंगे, आप अम्मा और रमशा पीछे, भाई और भाभी कहाँ बैठेंगे? अरे नहीं बेटा, इस तरह अलग अलग जाना अच्छा थोड़ी लगता है किसी तकरीब में। इसीलिए तो पूछ रहा हूँ कैसे जाएंगे आप। मैं और तुम्हारे अब्बा जो है वो रक्षा पे चले जाएंगे, तुम भाई भाभी को साथ ले जा। अबे पागल पागल हो गई है क्या? मेरे सर पे सीख है, रिक्शे में बैठ के झटके क्यों खाऊंगा मैं नहीं जा रहा रिक्शे में। हम बाइक पर आ जाएंगे। अरे नहीं बेटा, हम चले जाएंगे रिक्शा पे, ऐसा थोड़ी होता है। नई नवेली दुल्हन को किस तरह मोटर बाइक पे लेके जाओगे? नहीं नहीं, हम बाइक पर आ जाएंगे, सही रहेगा। हाँ ठीक है, अपनी बाइक पे आइए तुम, मगर हमारी गाड़ी के साथ साथ चलाइयो अपनी बाइक। ऐसा ना हो कि 15 मिनट पहले पहुंच जाए वहां पे। अबे निकलना, आप घूम क्या रहा है? अच्छा और कोई हड्डिया वड्डिया नहीं पकेगी दोपहर को? इधर खा लिया तो उधर जाके क्या खाएंगे? रख दे। अरे मिशाल नहीं है? आ रही है। अंदर चलें या खाना वाना यहीं खाएंगे? चले चले। मायरा बेटा तुम अपने कमरे में आ गई, क्यों कटी कटी सी हो? सबके बीच में तो तुमसे बात करने का मौका ही नहीं मिला। मुझे बताओ खुश हो ना? ठीक हूँ मैं। तो बैठो। और सलमान? अम्मी आप जानती हैं कि सलमान कैसा है, तो प्लीज मुझसे ऐसा कोई सवाल मत कीजिएगा उसके जवाब में मुझे झूठ बोलना पड़े। साथ ही समझ लें कि मैं ठीक हूँ, सब कुछ ठीक है। मायरा मेरा बेटा, मैं जानती हूँ तुमने अपने
अपनी बहन का घर बचाने के लिए कुर्बानी दिया, लेकिन ये मत भूलो कि इस कुर्बानी से बड़ी सच्चाई ये है कि तुम्हारा और सलमान का निकाह हो चुका था। जो आपकी वजह से, निशाल की वजह से, और शायद अपने अंदर की कमजोर लड़की की वजह से मुझे हारना पड़ा। मायरा, इस जिंदगी को और नए रिश्तों को अपनी ऐसी सोच की वजह से खराब मत करो बेटा। मैं कुछ गलत नहीं सोच रही अम्मी। पहले मैं बहुत लड़ती थी, सलमान से भागना चाहती थी, सलमान से हुए इस रिश्ते को तोड़ देना चाहती थी, लेकिन अब ना चाहते हुए मैंने खुशी से इस रिश्ते को कबूल कर लिया है। तो आप मेरे लिए परेशान मत हो, और अब मुझे इतनी तकलीफ भी नहीं होती अम्मी। मैं जानती हूँ तुम मेरी बहुत बहादुर बेटी हो, हर मुश्किल से मुश्किल घड़ी में भी डटकर खड़ी रहती है। सलमान के बारे में हम सब जानते हैं कि उसमें खराबियां हैं, और कुछ कुछ वो बना बनाया शकील भाई की तरह है, लेकिन बेटा ये तो औरत का काम होता है ना कि वो अपने शौहर को राह रास्त पर लाए। अगर औरत चाहे तो मुश्किल से मुश्किल और बुरे से बुरे शौहर को भी अपने हक में अच्छा कर सकती है। बस उसे ये देखना होता है कि उसे अपने शौहर से कौन सी बात किस वक्त करनी है और कैसे करनी है। आप ठीक कह रही हैं। हंस क्यों रही? क्योंकि सदियों पुरानी फिलॉसफी है अम्मी। आपको पता है आज की लड़की क्या सोचती है? क्या? कि वो टीचर नहीं है, हेडमास्टर नहीं है कि उसको एक बदतमीज सा बच्चा दे दिया जाए जिसको उसको तमीज सिखानी पड़े, जिसके लिए उसको कोई रिवॉर्ड भी नहीं मिलेगा, कोई तनख्वाह भी नहीं मिलेगी। तो उस बदतमीज बच्चे के लिए वो अपना करियर क्यों तबाह करे? उस बदतमीज आदमी के लिए वो सब कुछ क्यों छोड़ दे? तुम ऐसा सोचती हो? कैसे मांगू